सीएम मोहन यादव दिल्ली पहुंचे और पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। मोहन यादव का आलाकमान से यूं मिलना और मिलने के मायने सीधे इस तौर पर अहम हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि दिल्ली आकर पीएम से मुलाकात और अमित शाह से मुलाकात, इसके मायने दरअसल सियासी ज्यादा है क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की जो तैयारी मध्य प्रदेश में काफी तेज है। बीजेपी कांग्रेस से कहीं आगे चल रही है और बीजेपी विधानसभा की तरह लोकसभा चुनाव में भी कुछ जल्दी के तौर पर यानी कि नाम घोषित करने से लेकर तमाम निर्णयों को जल्दी ले सकती है, पहली बात। दूसरी बात यह कि मोहन यादव जब से सीएम बने हैं, ऐसे मुख्यमंत्री शायद संभवतः पहली बार होंगे जिनका सीएम बनने के बाद दिल्ली दौरा इतनी बार हुआ हो लगातार, वो क्योंकि मोहन यादव हर बड़ा फैसला चाहे वो पार्टी से जुड़ा हुआ हो, प्रशासनिक तौर पर हो, वो एक बार आलाकमान से जरूर सलाह लेते हैं या यूं कहूं कि वो पूरी तरीके से केंद्र के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं और बड़ा एक्शन भी मध्य प्रदेश में ले रहे हैं। उसकी वजह भी साफ है कि केंद्र चाहता है कि मोहन यादव जो हैं लोकसभा चुनाव तक आते आते जिस तेजी से उनकी छवि मध्य प्रदेश में एक अच्छे प्रशासक की बन रही है, तो केंद्र भी चाहता है कि मोहन यादव की ये छवि, शिवराज सिंह चौहान की जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। तो इसको लेकर केंद्र के मार्गदर्शन में मोहन यादव लगातार काम कर रहे हैं, शुरुआत चाहे मंत्रिमंडल बनाने की हो, चाहे प्रशासनिक निर्णय लेने की हो, लेकिन चूंकि दिल्ली पहुंचे थे तो मुलाकात हुई। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार एमपी में मीटिंग भी कर रही है और तेजी से, जैसे मैंने बताया आपको, काम भी कर रहे हैं। बीजेपी ने प्रभारी भी बना दी अपने। उम्मीदवारों को लेकर चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है जिसमें एक खाका खींच लिया गया है। अब मोहन यादव माना जा रहा है कि उन चीज़ों को लेकर संभवतः चर्चा करने पहुंचे हैं और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव की तरह जो बड़े क्षेत्र है, विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों को कवर किया था। पीएम मोदी का जो दौरा है वो प्रस्तावित है झाबुआ में जहां पर बड़ा कार्यक्रम है, तो ये भी बताया जा रहा है कि उस दौरे को लेकर संभवतः चर्चा हुई है। उस दौरे से पहले रूपरेखा को लेकर एक चर्चा की है सीएम ने। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में किस तरीके की रणनीति पर बीजेपी चलेगी और क्या मध्य प्रदेश सरकार की जो योजना है जिसका सीधा असर, जैसे लाडली बहना का असर पड़ा था विधानसभा चुनाव में, इस तरीके से कैसे मध्य प्रदेश सरकार सीधे जनमानस पर असर डाल सकती है, तो तमाम मार्गदर्शन मोहन यादव ने लिया, ऐसी बात खबर के तौर पर आ रही है फिलहाल। लेकिन ये कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो विधानसभा की तरह ही एक्टिव नजर आ रहा है और मध्य प्रदेश पर खासी नजर बीजेपी आलाकमान की। ये वजह है कि मोहन यादव भी केंद्र के मार्गदर्शन में उसी दिशा में चल रहे हैं। आप देखते रहें अभी तक।